स्टूडेंट बहुत बहुत स्वागत है आपका कक्षा छठवीं गणित के इस वीडियो लेक्चर में। आज हम अध्याय 7 भिन्न के अंतर्गत प्रश्नावली 7 के प्रश्न क्रमांक 2 का जो सेकंड भाग है और प्रश्न क्रमांक 3 को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। देखो यार, क्या था ना कि जो पिछला वीडियो था उस पर थोड़ा लंबा हो जा रहा था, इस कारण से मैंने प्रश्न क्रमांक 2 का सिर्फ पहला और दूसरा वाला को सॉल्व किया, तीसरा और चौथा को सॉल्व नहीं किया था। और एक चीज़ और था कि यहाँ पर ये जो है कि दशमलव वाली जो संख्या है वहाँ पर स्थानीय मान क्या होता है उससे संबंधित है, ठीक है। तो इस कारण से इसको हम अलग से वीडियो में देख रहे हैं, है ना। तो चलिए समझते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मेरा नाम है सदानंद देसलहरे, चलिए शुरू करते हैं। तो देखो यार, यहाँ पर जो सेकंड भाग है ना, यहाँ पर जो संख्याएँ दी गई है वो दशमलव वाली संख्याएँ हैं, इनको हमें घटते क्रम में जमाना है, ठीक है। देखो इसके हल किस तरीके से लिखना है उसको देखने से पहले मैं आपको स्थानीय मान क्या होता है उसको एक बार बता देता हूँ। हालांकि आप स्थानीय मान के बारे में जानते हो, लेकिन यहाँ पर हम दशमलव संख्याओं में स्थानीय मान किस प्रकार से होता है उसको समझेंगे, क्योंकि ये वाला जो प्रश्न है ना उसी से संबंधित है, ठीक है। तो स्थानीय मान, देखो यहाँ पर मैं एक सिंपल सा संख्या ले रहा हूँ, 8 8 8 8 8, ओके। ये वाला क्या है भाई, इकाई का अंक है। ये वाला क्या है, दहाई। ये वाला सैकड़ा, ओके। इतना लिखेंगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला हजार, ये वाला क्या है, 10,000, ओके। अब देखो यहाँ पर इसके मान कैसे रहते हैं, 8 8 8 8 8, यहाँ पर जितने भी अंक मैंने लिए हैं वो सभी एक ही लिए हैं, ताकि ये समझ आए कि स्थानीय मान क्या होता है। देखो यहाँ पर जो ये 8 है वो चूँकि इकाई में है, इसका जो स्थानीय मान है वो 8 × 1, मतलब कि 8 है, ओके। यहाँ पर जो 8 है वो कहाँ पर है, दहाई में है, इसलिए ये जो अंक है उसके साथ 10 का गुना होगा और इसका स्थानीय मान 80 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो संख्या है वो कहाँ पर है, सैकड़े में है, तो इसके साथ 100 का गुना होगा और इस 8 का स्थानीय मान 800 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जो 8 है ये कहाँ पर है, हजार वाले स्थान पर है, तो इसके साथ 1000 का गुना होगा और ये वाला जो 8 है उसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा, ओके। अब इसका मान कितना हो जाएगा भाई, इस 8 के साथ 10000 का गुना होगा, ठीक है, तो इसका मान हो जाएगा 80000। देखो यहाँ पर सेम अंक है, सभी जगह 8 है, लेकिन यहाँ पर जो 8 है उसका स्थानीय मान 8 है, यहाँ पर जो 8 है उसका स्थानीय मान 8000 है, ठीक है। मतलब कि उसके स्थान के अनुरूप उनका मान जो है कि बदलते रहता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, चलो अलग अलग अंक ले लेते हैं, ठीक है। ये है यहाँ पर, यहाँ पर ये वाला जो 3 है वो कहाँ पर है, इकाई में है, तो इसका जो स्थानीय मान है वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये जो 7 है ये कहाँ पर है, दहाई में है, तो यहाँ पर 7 के साथ 10 का गुना होगा और इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 70। यहाँ पर ये वाला जो 3 है ये कहाँ पर है, सैकड़े में है, तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 300। और ये जो 4 है इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 4 × 1000, मतलब कि 4000, ओके। मतलब कि कोई भी जो अंक है उसके स्थान के अनुसार उसका एक मान होता है किसी संख्या में, उसी को हम क्या कहते हैं, स्थानीय मान कहते हैं। तो यहाँ पर हमने नॉर्मल जो संख्या है उनका स्थानीय मान देख लिया। अब जो है कि दशमलव वाली जो संख्याएं हैं उसमें दशमलव के बाद की जो संख्या है उसके स्थानीय मान को देखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक संख्या ले रहा हूँ, 4 4 4 point 4 4 4, ओके। यहाँ पर और आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो चलो देखते हैं भाई, यहाँ पर ये वाला जो 4 है इसका स्थानीय मान क्या होगा, ये इकाई वाले स्थान पर है, तो 4 × 1, मतलब कि 4।
ये वाला जो चार है वो कहाँ पर है, दहाई में है, तो 4 × 10 मतलब कि 40। और ये वाला जो चार है इसका मान कितना हो जाएगा, 4 × 100 मतलब कि 400। देखो ये एक्स्ट्रा हो गया भाई, है ना, एक्स्ट्रा नहीं देना है, जितना ज़रूरत है उतना ही देना, ठीक है। तो उनके स्थान के हिसाब से इनका मान है। अब इनका मान देखते हैं, इनका मान क्या होगा, दशमलव के बाद पहला स्थान, तो जैसे ये इकाई है वैसे ही ये है, है ना, दशमलव के पास वाला, तो इसका मान होता है 4 × 1/10, ठीक है। दशमलव के बाद जस्ट पहला वाला, अब यहाँ पर ध्यान देना, दशमलव के बाद जस्ट पहला है, यहाँ पर 10 है, ठीक है, इसको देखते हैं, 4 × 1/100। चलो इसको यदि आप गुना कर देते हो तो ये हो जाएगा 4/10, ये हो जाएगा आपका 4/100, ठीक है। अब इसका मान क्या होगा भाई, 4 × 1/123, कितना जीरो है, 3 जीरो है, तो 3 जीरो, ओके, 4/1000। यहाँ पर क्या चीज़ समझ आता है, देखो दशमलव के इस साइड में जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाता है उसका जो वैल्यू है वो बढ़ते जाता है, जैसे इकाई में है तो वैल्यू कम है, जब वो दहाई में आ जाएगा तो वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा, जब वही अंक सैकड़ा में आएगा तो उसका वैल्यू इनसे ज़्यादा हो जाएगा, और आगे बढ़ोगे तो उसका वैल्यू और बढ़ते जाता है। लेकिन यहाँ पर देखो दशमलव के बाद जैसे जैसे आप पीछे बढ़ते जाते हो उसका वैल्यू कम होते जाते हैं। देखो यहाँ पर 4 को 10 से भाग दे रहे हैं, यहाँ पर 100 से भाग दे रहे हैं, तो जितना बड़ा संख्या से भाग दोगे उसका वैल्यू उतना ही कम होते जाता है। इससे क्या समझ आ रहा है आपको, इससे ये समझ आता है कि दशमलव के पीछे साइड में जब कोई अंक लिखा जाता है तो वैल्यू उसका कम होते जाता है, लेकिन दशमलव के इस साइड में यदि वैल्यू को लिखा जाता है तो उसका वैल्यू बढ़ते जाता है, ठीक है। इसी के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, अभी जो संख्याएं हैं उनको हम घटते क्रम में लिखेंगे। चलिए देखिए दूसरा का तीसरा वाला को, ठीक है, दूसरा का तीसरा वाला, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, हल लिखेंगे, डेस करेंगे, ठीक है, जो संख्याएं दी गई है उसको लिख लेते हैं। सबसे पहला है 3 × 0 और 8, ऐसी बोल के लिख लेते हैं, 108, ठीक है, 0.008 एंड देन 0.8 और 8। यहाँ पर सभी जगह सेम अंक है, ठीक है, सभी जगह क्या है, सेम अंक है, हमको इसको घटते क्रम में जमाना है, ओके। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ घटते क्रम में, घटते क्रम में यदि जमाना है तो हमें ये देखना है कि यहाँ पर सबसे बड़ा संख्या कौन सा है, ठीक है। यहाँ पर देखो यार, यहाँ पर दशमलव के बाद है, यहाँ पर दशमलव बाद है, यहाँ पर दशमलव बाद है, यहाँ पर दशमलव बाद है, और ये क्या है, इकाई में है, तो इकाई वाला इन सबसे बड़ा है, ठीक है, इकाई वाला इन सबसे बड़ा है, तो मैं यहाँ पर सिंपली 8 लिख लेता हूँ। अब जो भी आएगा वो इससे छोटा रहेगा, तो इससे छोटा कौन सा है उसको देखते हैं। अपन को ये पता है कि दशमलव के बाद जैसे जैसे पीछे जाते हैं तो उनका जो स्थानीय मान है वो क्या हो जाता है, कम होते जाता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो ये चौथा स्थान में है उसका मान इस तीसरे स्थान वाले 8 से कम है, और इस तीसरे स्थान वाले 8 का मान इस दूसरे स्थान वाले 8 से कम है, और इस दूसरे स्थान वाले 8 का मान इस पहले स्थान वाले 8 के मान से कम है। समझ आया, जैसे जैसे 8 पीछे जाते जाएगा दशमलव के बाद उसका स्थानीय मान कम होते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो है कि बड़ा हो जाएगा, इससे छोटा कौन सा हो जाएगा, 0.8, इससे छोटा कौन सा हो जाएगा, 0.008, और इससे छोटा कौन हो जाएगा, 0.008, ठीक है। तो इस तरीके से अपन को यहाँ पर आंसर को कंप्लीट करना है। चलिए अब हम इसका आंसर को देखते हैं, ठीक है, ये दूसरा का चौथा है, हल लिखेंगे, उसके एड्रेस करेंगे, और जो यहाँ पर अपन को दी गई है उसको लिख लेते हैं, 01, ओके, 0.0099, 0.00992, 0.0012, यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है तो स्क्रीन को अपन क्या कर लेते हैं, जूम आउट कर लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर कैसे करेंगे, पूरा लिखा हूँ ना, ठीक?
ठीक है, पूरा लिख लिए भाई। ओके, तो यहाँ पर हम किस तरीके से समझेंगे कि कौन सा वाला बड़ा है कौन सा वाला छोटा है, उसको देखिए। ओके, देखो यार, यहाँ पर दशमलव के बाद दशमलव वाली संख्या है, ठीक है, मतलब कि ये सब दशमलव वाली संख्या है, दशमलव के बाद यहाँ पर अंक है। ओके, तो आपको क्या देखना है, सबसे पहले दशमलव के बाद जो पहला अंक है उसको देखो। यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर भी जीरो है। तो यदि हम दशमलव का पहला अंक को देखें तो सभी जगह जीरो है, इससे अपन को ये नहीं पता चलेगा कि कौन बड़ा है। तब अपन क्या करेंगे, दशमलव बाद जो दूसरा स्थान है उसको देखेंगे। यहाँ पर एक है, यहाँ पर शून्य है, यहाँ पर शून्य है, यहाँ पर शून्य है, तो एक क्या है, शून्य से बड़ा है। तो सिंपली यहाँ पर जो जीरो वन है वो क्या है, सबसे बड़ा है, ठीक है। अब इससे छोटा, अब दूसरे स्थान को तो देख लिए, अब तीसरे स्थान को देखो। यहाँ पर तीसरे स्थान में क्या है, नौ है, यहाँ पर भी नौ है, यहाँ पर एक है, तो ये वाला जो है कि इन दोनों से छोटा है, तो अब इसको इग्नोर कर दो। अब देखो यार, तीसरे स्थान में यहाँ पर नौ है, यहाँ पर नौ है, चौथा स्थान को देखते हैं, चौथे स्थान में यहाँ पर नौ है, यहाँ पर भी नौ है, ठीक है। अब जो है कि हम पांचवा स्थान को देखते हैं, तो देखो यहाँ पर पांचवा स्थान में दो है, यहाँ पर तो पांचवा स्थान है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो है वो इससे बड़ा है, ठीक है। ऐसा ही आपको क्या करना है, चेक करते जाना है। ये हो गया, इससे छोटा ये है और सबसे छोटा कौन सा है, ये वाला। तो अपन इसको इस तरीके से लिख लेंगे, ओके, और यहाँ पर आपका जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं प्रश्न क्रमांक तीन को। प्रश्न क्रमांक तीन में क्या कहता है, निम्न को बढ़ते क्रम में लिखिए। यहाँ पर अपन को भिन्न दिया गया है और इन भिन्नों को बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं, तीसरा का पहला। ओके, हल लिख लेंगे, फिर उसके बाद डेस करेंगे, और फिर यहाँ पर जो भिन्न दिया है उनको हम ध्यान से लिख लेंगे। इसके पश्चात क्या करना है भाई, इनके हरों का लघुत्तम समापवर्त्य निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब लिख लेता हूँ मैं, उसके बाद यहाँ पर ऐसे लाइन खींचेंगे, 6, 24, 2, 3, 8। ओके, अब देखो यार, हमारे पास अभाज्य संख्या है, ठीक है। धनात्मक अभाज्य संख्या यदि हम लें तो सबसे छोटी धनात्मक अभाज्य संख्या क्या है, दो है। दो से बड़ा जो अभाज्य संख्या है वो क्या है, तीन है। तीन से बड़ा अभाज्य संख्या क्या है, पाँच है। तीन, पाँच, फिर उसके बाद सात, उसके बाद ग्यारह। तो इस तरीके से आपको अभाज्य संख्या एकदम से याद रहना चाहिए, ठीक है। अब अपन को ये देखना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या से क्या इनमें से कोई एक भी जो संख्या है वो भाग जा रहा है क्या। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं यार, दो से तो छः भी जाएगा, 24 भी जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, तो अपन बिंदास यहाँ पर दो लिख देंगे, ठीक है। अब दो का पहाड़ा पढ़ो, छः कितने बार में आएगा, दो का पहाड़ा पढ़ोगे तो छः जो है कि तीन बार में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर तीन लिख देंगे, छः के नीचे में तीन लिखेंगे, क्योंकि दो या छः होता है। अब देखो 24 कितने बार में आएगा, दो बारह 24, 12 × 2 = 24, जानते हो ना। तो 24 के नीचे में 12 लिख दो। दो कितने बार में आएगा, एक ही बार में आ जाएगा, तो यहाँ पर एक लिख देते। तीन वाला दो से भाग नहीं जाएगा, तो अपन तीन को ज्यों का त्यों उतार देंगे। आठ कितने बार में आएगा, 2 × 8, तो यहाँ पर हम 4 लिख देते हैं, ठीक है। लाइन खींचेंगे, ध्यान दीजिए, अभी भी यहाँ पर ये 4 और ये 12 जो है कि दो से जाएगा, इसलिए यहाँ पर अगेन दो लिख देंगे। तीन वाला भाग नहीं जाएगा तो जो का त्यों उतार दो। दो का पहाड़ा पढ़ोगे, 6 बार में 12 आता है, तो यहाँ पर 6 लिखो, ठीक है। जो भागफल होते हैं उसको नीचे लिखते हैं, ओके। यहाँ पर एक, इसको उतार देते हैं, फिर उसके बाद तीन को उतार देते हैं। चार कितने बार में आएगा, दो बार में आएगा, तो दो लिख देते हैं, ओके। अगेन यहाँ पर ये और ये वाला जो है कि दो से जाएगा, तो ये 3, 2 × 6, 1, 3 × 2 = 2। अब देखो भैया, यहाँ पर कोई भी दो से जाने वाला नहीं है, ठीक है। अब किससे जाएगा, 3 से जाएगा, तो हम यहाँ पर 3 लिख देते हैं। 3 × 3, 3 × 3, 1, 3 × 3, और ये 1, ठीक है। जो भाग जाता है तो ठीक है, नहीं जाता तो उसको जो कत्यो नीचे उतारना रहता है, ओके। अब एलसीएम, अपन डायरेक्ट एलसीएम लिख सकते हैं, लघुत्तम समापवर्त्य लिखना है तो वो लिखो, आपका मर्जी है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है उसको अपन लोग लिख लेते हैं ऐसे, 2 × 2 × 2 × 3, ओके।
दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठतिया 24, तो यहाँ पर हम 24 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एलसीएम है। अब अपन को क्या करना है, यहाँ पर जितने भी भिन्न दिया है ना, उन सब के हर को इस 24 के बराबर करना है। मतलब कि हमें क्या करना है, इनका तुल्य भिन्न ज्ञात करना है, ऐसा तुल्य भिन्न जिनके हर में 24 हो। तो चलिए, यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूँ आप जो है कि इसके नीचे में लिखेंगे। ओके, यहाँ पर चीज़ें दिखे इस कारण से मैंने एक अलग से कागज़ ले लिया है और उसमें आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर अब लिख लेना। ओके, फिर उसके बाद जो सबसे पहला वाला है उसको अपन लोग यहाँ पर उतार लेते हैं, 5/6। ठीक है, बराबर का चिन्ह लगाना, क्योंकि जो प्राप्त होने वाला है वो इसके बराबर है। ठीक है, 5/6 को एक बार और लिखना। अब देखो यार, इस 6 में क्या का गुना करोगे कि आपको 24 प्राप्त हो, क्या का गुना करोगे 6 में, मतलब कि 24 प्राप्त करना है। 24 क्यों, क्योंकि हम सब के हर को 24 के बराबर कर सकते हैं, क्योंकि उनका एलसीएम है। ठीक है, एलसीएम कितना है, 24 है, इसलिए हम सब के हर को 24 के बराबर कर सकते। ठीक है, 6 का पहाड़ा पढ़ोगे यार, 6 × 4 = 24 होता है। ठीक है, तो 4 का गुना करेंगे नीचे में और ऊपर में भी करेंगे, क्योंकि अपन को तुल्य भिन्न प्राप्त करना है। ठीक है, सिर्फ हर को 24 कर दोगे तो उससे काम नहीं चलेगा, अंश को भी चेंज करना पड़ेगा, तभी तो तुल्य भिन्न प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा 5 × 24 और यहाँ पर नीचे में 6 × 24। ओके, फिर उसके बाद 9/24 है, बराबर करेंगे 9/24। अब यहाँ पर तो ये 9/24 पहले से है, इसके हर में 24 पहले से है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अब लिख दिए हैं, तो भाई चलो 1 का गुना कर देते हैं ताकि स्टेप एक जैसा दिखे। ओके, नहीं तो यहाँ पर किसी भी संख्या का गुना करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका हर पहले से 24 के बराबर है। फिर उसके बाद आ जाता है 3/2। अब 2 में क्या का गुना करोगे 24 आएगा, 2 में 12 का गुना करोगे ना, तब 24 आएगा। ठीक है, तो ऊपर नीचे में हमने क्या लिख दिया, 12 लिख दिया, 12 × 36, नीचे में आएगा 12 × 2 = 24। अब लास्ट में, लास्ट नहीं बोलना चाहिए, यहाँ पर और है। ठीक है, 1/3 बराबर, 1/3 गुना का चिन्ह लगा देते ऊपर में नीचे में। अब 3 में क्या का गुना करोगे जो 24 प्राप्त होगा, 3 में 8 का गुना करने से 24 प्राप्त होता है, 8 × 24। ठीक है, तो ऊपर में 8, 8 × 8, 8 × 24। फिर उसके बाद लास्टली 5/8 है। अब बताओ भाई, 8 में क्या का गुना करोगे 24 होगा, 8 में 3 का गुना करेंगे तो 24 होगा, 5 × 15, 8 × 24। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ऐसा तुल्य भिन्न प्राप्त कर लेंगे जिनके हर बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर सबके हर बराबर है। अब जिसका अंश बड़ा है वो संख्या बड़ा रहेगा, जिसका अंश छोटा है वह संख्या छोटा रहेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बढ़ते क्रम में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अतः लिखेंगे, क्योंकि अपन यहाँ पर आंसर प्राप्त करने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पर अपन को आंसर नहीं मिलने वाला था, यहाँ पर अपन प्रोसेस कर रहे थे, इसलिए अब लिखा था। अतः कब लिखोगे, जब आपको कुछ निष्कर्ष मिल रहा है। ठीक है, तो बढ़ते क्रम में ऐसा लिख लेता हूँ मैं, बढ़ते क्रम में। ओके, बढ़ते क्रम में लिख रहा है, तो सबसे छोटा को आपको सबसे पहले लिखना है। सबसे छोटा यहाँ पर क्या है, 8/24, तो यहाँ पर मैं 8/24 लिख लेता हूँ। इससे बड़ा है 9/24 और इससे बड़ा है 15/24। ओके, इससे बड़ा कौन सा है भाई, इससे बड़ा है 20/24 और इससे भी बड़ा कौन है, 36/24। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, बराबर का चिन्ह लगा लेना, क्योंकि प्रश्न में अपन को ये नहीं दिया है बॉस। ठीक है, अपन को क्या दिया है, ये मन को दिया, तो उसी के भाषा में बताना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 8/24 एक्चुअल में किसका वैल्यू है, 1/3 का, तो यहाँ पर 1/3 लिख लेंगे। फिर उसके बाद ये वाला चिन्ह लगाएंगे, है ना, इधर का जो मटेरियल रहेगा वो बड़ा रहेगा। 9/24 एक्चुअल में 9/24 ही दिया है। 15/24 क्या दिया है, 5/8 दिया है, तो यहाँ पर 5/8 लिख लेते हैं। 20/24 क्या दिया है, 5/6, तो यहाँ पर हम 5/6 लिखेंगे। और 36/24 क्या दिया है, 3/2 दिया है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3/2। तो इस तरीके से हम यहाँ पर बढ़ते क्रम में इन भिन्नों को प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, यहाँ पर ऐसा लाइन खींचना, फिर उसके बाद आंसर लिख देना। ठीक है, चलिए अब हम हल करते हैं
तीसरा का दूसरा को, ठीक है, हल लिखेंगे, फिर उसका डेस करेंगे और फिर जो यहाँ पर भिन्न दिया है अपन को यहाँ पर उसको लिख लेंगे, ठीक है। 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 and 2/15, ओके, यहाँ पर हो गया। अब देखो यार, अपन को लकीर के फकीर नहीं बनना है, क्या बोल रहा हूँ ध्यान से समझो, अपन को लकीर का फकीर नहीं बन रहा है। यदि कोई प्रश्न ऐसा है जो बड़ा ही सिंपल तरीके से सॉल्व हो सकता है, ठीक है, और अपन को पता है कि वो तरीका क्या है, तो उस तरीके से सॉल्व करना है ना। तो यहाँ पर हम अभी तक जिस टेक्निक से सॉल्व कर रहे थे उससे थोड़ा सा डिफरेंस तरीके से सॉल्व करेंगे। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, हर का एलसीएम ज्ञात कर रहे थे और हर को लघुत्तम समापवर्ती के बराबर कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, अंश को बराबर करेंगे, ठीक है, अंश को बराबर करेंगे, उसके अनुसार हर में चेंजेस आएगा, ठीक है। तो चलो देखो क्या करना है, ऐसा भी कर सकते हो, है ना, अंश को भी देख सकते हो, हर को भी देख सकते हो, दोनों के हिसाब से आप तय कर सकते हो, लेकिन अंश या हर दोनों में से कोई एक बराबर होना चाहिए, तब आप जो है कि देख कर बता सकते हो कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दो, एक 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 सभी जगह एक है, यहाँ पर दो है, यदि मैं इनमें दो का गुना करूँ तो सब का जो अंश है वो दो के बराबर हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर जितने भी भिन्न दिए हैं सभी के अंश बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं वही कर रहा हूँ, हम ऐसा तुल्य भिन्न प्राप्त करते हैं जिनका अंश बराबर हो, चूंकि अंशों का एलसीएम बराबर दो, ठीक है। देखो यार, यहाँ पर सब जगह एक है तो उसका यदि लघुत्तम लोगे तो एक मिलेगा, एक और दो का लघुत्तम लोगे तो आपको दो मिलेगा, ठीक है। देखो यार, यहाँ पर सभी जगह एक है, है ना, इस कारण से उनका एलसीएम लोगे तो आपको एक मिलेगा, एलसीएम क्या मिलेगा, एक, और यदि एक और दो का एलसीएम लोगे तो आपको एलसीएम दो मिलेगा, क्योंकि वो क्रमागत संख्या है, ठीक है। यहाँ पर एकदम से उसको बता नहीं रहा हूँ कि क्यों होता है कैसे होता है, अपन ज्ञात नहीं करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट हमको एलसीएम मिल रहा है तो डायरेक्ट लिख लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम सभी के अंश को दो के बराबर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 1/2 है, बराबर करते हैं, 1/2 लिखते हैं। अब देखो इसमें आप क्या का गुना करोगे तो दो मिल जाएगा, एक में दो का गुना करोगे तो दो मिल जाएगा आसानी से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दो लिख देता हूँ, यहाँ पर भी दो लिखूँगा और फिर अपन को मिल रहा है 2/4, ठीक। फिर उसके बाद नीचे में आते हैं, 1/4 है, बराबर करेंगे, 1/4 लिखेंगे, अंश में और हर में दोनों में गुना करना है। देखो यहाँ पर एक है, इस पर दो का गुना करोगे तो दो मिलेगा, नीचे में भी दो का गुना कर दो, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2/8, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं यार, या फिर इसको जूम आउट कर लेते हैं। अब उसके बाद जो नेक्स्ट भिन्न है आपको नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1/6 है, बराबर करेंगे, 1/6 लिखेंगे, ऊपर नीचे में दो का गुना कर देंगे, क्योंकि एक में दो का गुना करोगे तो आपको दो मिल जाएगा और 6 × 2 = 12 हो जाएगा। आप लाइन खींचेंगे, ठीक है, बगल में लिख लेते हैं जो बचा है उसको, 1/8 × 2 × 2 2/16, लास्ट में आपके पास है 2/15। तो यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं आपको, क्योंकि यहाँ पर अंश पहले से दो है, ठीक है। तो यदि आपको कुछ करने का मन है तो आप ऐसा कर सकते हो, ऊपर नीचे में एक का गुना कर दो और ये 2 रहेगा, नीचे में 15 रहेगा, ठीक है, यहाँ तक। अब समझिए, जब भिन्नों के, एक कागज़ लेता हूँ वहाँ पर आपको बताता हूँ, ठीक है,
देखो यदि अंश बराबर है, क्या है अंश बराबर है, सभी जगह अंश क्या है बराबर है, तो आपको हर को देखना है। किसको देखना है? हर को देखना है। और जिसका हर बड़ा रहेगा वह संख्या छोटा होगा। यहाँ पर उल्टा रहता है, जब अंश को बराबर करते हो तब आप हर को देखते हो, और यदि हर बड़ा है तो वह संख्या छोटा है, हर छोटा है तो वह संख्या बड़ा है। सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए सभी के जो अंश है वो क्या है बराबर है। हमको किसको देखना है? हर को देखना है। तो यहाँ पर देखो सबसे बड़ा हर कौन सा है, क्योंकि यहाँ पर अपन को बढ़ते क्रम में लिखना है ना। तो सबसे छोटा जो संख्या रहेगा उसको पहले लिखना पड़ेगा, और सबसे छोटा संख्या कौन सा रहेगा? जिसका हर बड़ा रहेगा, ठीक है, बढ़ते क्रम में ऐसा लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 12 है, 16 है, सबसे बड़ा जो हर है यहाँ पर 16 है, तो उसको हम लिख लेते हैं 2/16, ठीक है। इससे बड़ा कौन सा हो जाएगा? 2/15 हो जाएगा। और इससे बड़ा कौन सा हो जाएगा? इससे बड़ा हो जाएगा 2/12। इससे बड़ा कौन सा हो जाएगा? 2/8। और इससे बड़ा कौन सा हो जाएगा? 2/4। ध्यान दो, जिसका हर बड़ा है वह सबसे छोटा है, और जिसका हर छोटा है वो सबसे बड़ा है। दिख रहा है? ठीक है, अब इसके आगे क्या करना, यहाँ पर ऐसा चिन्ह लगाएंगे। 2/16 एक्चुअल में किसका वैल्यू है यहाँ पर देख लेते हैं अपन, है ना। 2/16 एक्चुअल में 1/8 का वैल्यू, तो यहाँ पर हम 1/8 लिख लेंगे। 1/8 से बड़ा है 2/15, ठीक है। 2/15 से बड़ा ये 12 वाला है ना, क्या है भैया? 1/6 है। और इससे बड़ा, 1/6 से बड़ा 2/8, 2/8 ये वाला 1/4, ठीक है। और सबसे बड़ा कौन सा हो गया? 1/2। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको इस प्रश्न का आंसर मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल के साथ रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।